क्या आपका लैपटॉप स्लो है? क्या आपका लैपटॉप को आप जो है गेमिंग टाइप ऐसा बनाना चाहते हैं? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप ये लैपटॉप में SSD और RAM कैसा अपग्रेड कर सकते हैं। ये रहा हमारा 240GB का WD का ग्रीन SSD है NVMe सीरीज का, और ये रहा हमारा 4GB RAM। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे RAM और SSD कैसा अपग्रेड कर सकते हैं लैपटॉप में। Everyone, this is me, Ali Mirza. Welcome back to our channel, Laptop Repair Now. आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लैपटॉप आपका कैसा ओपन कर सकते हैं, कैसा उसमें आप SSD इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसा उसमें RAM इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा। ये रहा हमारा HP का लैपटॉप, जैसा कि आप देख सकते हैं ये HP X360 सीरीज का ये लैपटॉप है, कन्वर्टेबल लैपटॉप, जिसका मॉडल नंबर है HP 14CD0050TX सीरीज का ये लैपटॉप है। ये कोर i5 8 जनरेशन का ये लैपटॉप है। कंपनी डिफॉल्ट हमें 4GB रैम 1TB हार्ड ड्राइव आया था। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियोस को लाइक करिए, नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिना कोई देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे लैपटॉप का मैट, जैसा कि ये मैट हम आपको इसके लिए लेना रहेगा कि लैपटॉप के ऊपर स्क्रैचेस ना आने के लिए। तो आ जाएंगे हम लैपटॉप के बैक साइड में, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 2 स्क्रूज है और यहाँ पर एक 3 स्क्रूज है, टोटल मिला के आपको 5 स्क्रूज है। तो हम 1x1 करके इसके स्क्रूज ओपन कर लेंगे। फर्स्ट जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे 3 स्क्रूज यहाँ से निकल गए और ये स्क्रू यहाँ पर ही फिक्स हैं अभी। तो अभी हम पैनल को थोड़ा अप कर लेंगे ये साइड से। पैनल जैसा अप हो जाएगा आपका थोड़ा, उसके बाद ये कॉर्नर के एंड से आपको ये लैपटॉप का बेस कवर ओपन होगा। तो अभी हम यहाँ से ओपन करेंगे। बेसिकली आपको एक छोटा सा उसका ओपनर ले लेने का रहेगा ताकि आपको कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम ना आए ओपन करने के लिए। तो अभी हम यहाँ से इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे अंदर, उसके बाद स्मूथली हम जो है इसको ओपन करेंगे। आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से करना है, क्यों बोलते ये टच स्क्रीन के लैपटॉप रहते हैं। अगर यहाँ पे आप कुछ गड़बड़ करें, यहाँ पर स्क्रीन क्रैक हो गया, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता। हम जितना हो सकता है आपको वीडियो में बताते हैं कि आप कैसा सेफ्टी के साथ इसको ओपन कर सकते हैं। इजीली स्मूथली आप इसको प्रेस करते रहिए। हमारा ओपन हो गया है पैनल, अभी हम कर देंगे ये पैनल को डाउन, उसके बाद करेंगे ये लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करेंगे। ये यहाँ से आपको ओपन करना रहेगा। बेसिकली देख सकते हैं आप यहाँ पर थोड़ा डस्ट है, हम इसको क्लीन कर देंगे पूरा। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर M.2 का ये नॉच है, यहाँ पर जो हमारा NVMe सीरीज का SSD लगेगा, और ये RAM का सेक्शन है, ये RAM कवर है, ये ऊपर RAM का। अभी हम यहाँ से इसको निकालेंगे RAM कवर भी। ये जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसका RAM कवर भी इसमें निकाल दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा बोले तो इसका बैटरी रिमूव करना रहेगा आपको। तो हम इसका फर्स्ट बैटरी रिमूव कर लेंगे, इसके स्क्रूज ओपन कर लेंगे। सेफ साइडली हम इसका बैटरी निकाल रहे हैं, बट हमें बैटरी निकालने का भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, क्यों बोले तो हमको ये ऑलरेडी आता है। हम आपके लिए बैटरी ओपन करेंगे। अगर छोटे छोटे चीज़ें हैं तो आप बगैर बैटरी रिमूव करे भी कर सकते हैं, प्रॉपर फिक्स करना आता है तो आप जो है सो बगैर बैटरी रिमूव करे भी इसको फिक्स कर दे सकते हैं, ऑटोमेटिकली इसमें सेट हो जाएगा। पर अभी हम इसका बैटरी उठाएंगे इधर से, इसको मूवमेंट देते हुए बैटरी निकाल देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके बैटरी निकल गया है, बैक साइड से भी इसको डस्ट है, ये भी क्लीन करेंगे एंडिंग में। अभी हमारा पूरा कटआउट ख़त्म हो गया है लैपटॉप में जो आने का। अभी हम इसमें लगाएंगे 240GB का WD ग्रीन SSD लगाएंगे NVMe सीरीज का। मैं इसको ओपन कर दूँगा, ये हम इसका SSD ओपन कर दिए हैं, उसके बाद हम इसको बाहर निकालेंगे। डंटन आन, जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी के पेपर से जो WD ने हमें लिख दिए हैं हमारे नाम पे। अभी हम इसका निकालेंगे प्रॉपर्टी WD की जो हमने ख़रीदी है विद डॉक्यूमेंट्स के साथ। आप देख सकते हैं ये WD का है, ये NVMe सीरीज़ का SSD है, ये यहाँ पर इसमें इंस्टॉल होगा। कंपनी डिफ़ॉल्ट हमें एक स्क्रू आया है यहाँ पर लॉक करने के लिए, तो हम पहले इसको अनलॉक करेंगे, स्क्रू खोल लेंगे पहले इधर से। ये बहुत इजी स्टेप है, आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स का भी आपको रैम और SSD का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आपको 480GB का 240GB का आप कुछ भी अपग्रेड कर सकते हैं उसके अंदर, ये सीरीज़ में सपोर्ट होगा ये M.2 NVMe। अब इसमें हम जो सो वापस से इसका स्क्रू लगा देंगे। ये हमारा स्क्रू लग गया है, अब हम इसमें रैम अपग्रेड कर रहे हैं 4GB का। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 4GB का सैमसंग रैम है, ये DDR4। अभी हम इसमें फिक्स करेंगे, यहाँ लगाए बस मैं इसको वापस से लगाऊंगा, लॉक करूंगा, ये लग गया है। इसके बाद हम प्रेस कर देंगे, ये दो साइड से भी लॉक हो जाएगा सिस्टम। आप देख सकते हैं ये हमारा लॉक हो गया है। उसके बाद हमें ले लेने का रहेगा हाथ में ब्रश, उसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा क्लीन इधर से, जो भी डस्ट है लैपटॉप से क्लीन हो जाएगा हमारा।
इसके पास जो है सो हम इसको इधर से भी रिमूव कर देंगे, थोड़ा डस्ट जहाँ जहाँ से भी डस्ट है इसमें। और साथ में क्या करेंगे बोले तो इसका थोड़ा सर्विस भी कर देंगे। अब लैपटॉप ओपन हो ही गया है तो यहाँ पर थोड़ा थर्मल पेस्ट भी लगा देंगे, हमें थोड़ा हीटिंग इशू भी करता था ये लैपटॉप, तो हमने ये इसका कवर निकाल दिया है। इसका स्क्रूस ओपन करेंगे वन बाई वन करके। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा हीट सिंक इधर से निकल गया है, तो यहाँ पर ये मूवमेंट अभी नहीं हो रहा है। अभी हम यहाँ से क्या करेंगे बोले तो इसका यहाँ से लॉक निकालेंगे एक, ये एक माइनस की बीट आपको ले लेने का रहेगा यहाँ से। इसके बाद हम छोटा सा इधर से लॉक ओपन करेंगे इसका, इसके बाद ये स्ट्रिप निकालेंगे, निकालने वाले वापस ही आपको लॉक कर देने का रहेगा। अगर ये लॉक मिस हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। देख सकते हैं आप यहाँ पर इसके स्क्रूस है, अभी हम यहाँ का भी इसका स्क्रू ओपन कर देंगे एक। के बाद यहाँ पर भी एक स्क्रू है, ये दो के दो स्क्रू हमने रिमूव कर दिए हैं। इसके बाद इसका फ़ैन का कनेक्टर भी निकालना रहेगा आपको यहाँ से, अभी हम फ़ैन कनेक्टर भी इसका निकाल देंगे। बेसिकली आप मूवमेंट देते हुए इसको निकाल सकते हैं, ये निकल गया है। उसके बाद हम करेंगे इसको, मैं इसको निकाल रहा हूँ, ये निकल गया है हमारा हीट सिंक। यहाँ पर थोड़ा सा डस्ट है, अभी हम इसका डस्ट थोड़ा सा यहाँ पर फैन में क्लीन कर लेंगे। इधर से थोड़ा डस्ट है, यहाँ से भी हम थोड़ा स्मूथली क्लीन करेंगे इसको। उसके बाद आपको क्या करना रहेगा बोले तो यहाँ पर हम इसका हीट सिंक रख रहे हैं, इसका ओल्ड जो थर्मल पेस्ट है वो ओल्ड थर्मल पेस्ट आपको रिमूव करना रहेगा। तो हम यहाँ से इसका पहले प्रोसेसर का और ग्राफिक कार्ड का थर्मल पेस्ट इसमें से रिमूव करेंगे। ये हमारा रिमूव हो गया है, ये ड्राई हो गया है टोटली, तो लैपटॉप भी हमारा थोड़ा हीट कर रहा है, तो अभी हम इसका थर्मल पेस्ट भी चेंज कर देंगे। आपको हीट सिंक पे से भी थर्मल पेस्ट पूरा रिमूव करना रहेगा। ये हमारा रिमूव हो गया है, उसके बाद हम कर लेंगे थोड़ा सा इसको क्लीन। इधर से भी हम जो है सो हमारा जो भी हुआ है इसका अभी क्लीन कर लिए हैं हम। उसके बाद हम करेंगे इसको थोड़ा सा ब्लोअर, अभी हम यहाँ पर इसका थर्मल पेस्ट लगा देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इसका ग्राफिक पे भी लगाएंगे, प्रोसेसर पे भी लग गया है हमारा, ये दो सेट का भी हमारा थर्मल पे सप्लाई इसमें हो गया है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं इसका वापस से हीट सिंक वापस से फिक्स कर देंगे, इसमें इसका हीट सिंक लगा देंगे। अभी जैसा हम हीट सिंक लगा रहे हैं तो ये हमारे को कनेक्टर थोड़ा ऊपर उठा लेने का रहेगा। उसके बाद हम इसको वापस से पैक करेंगे, ये हम इसका पैक कर दिए हैं, रख दिए हैं। उसके बाद हम इसके स्क्रूस लगाएंगे वन बाई वन करके, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हम इसके फैन के स्क्रूस लगा देंगे फर्स्ट। इसके बाद हम यहाँ का भी फैन का स्क्रू लगा देंगे। जहाँ से भी आप स्क्रू निकाल रहे हैं वहाँ पर आपको स्क्रू कंपलसरी लगाना रहेगा। उसके बाद हम ये लॉक निकालेंगे इधर से, उसके बाद हम ये स्ट्रिप लगा देंगे वापस जहाँ से हमने इसका निकाला था। आराम से ये हमारा स्ट्रिप लग गया है, फिर कर देंगे ये लॉक, ये लॉकिंग भी परफेक्टली हमारा हो गया है। उसके बाद हम लगाएंगे ये फ़ैन का कनेक्टर, ये भी लग गया है, इसको आप स्मूथली प्रेस कर दीजिए। उसके बाद हम लगाएंगे इसके हीट सिंक के स्क्रूस, ये हमारा पूरा फिक्स हो गया है। हीट सिंक, रैम, SSD, अब वापस से हम एंडिंग में लगाएंगे इसका बैटरी, इसमें भी थोड़ा डस्ट है, हम ये भी इसमें क्लीन कर देंगे पूरा। उसके बाद इधर से भी थोड़ा और डस्ट रहा तो वो भी क्लीन करेंगे। उसके बाद हम बिठा रहे हैं इसका बैटरी, हम ये सेट से पहले नॉचेस मैच करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम बैटरी रख के प्रेस करना रहेगा। ये हमारा बैटरी इसमें फिक्स हो गया है पूरा। उसके बाद हम वन बाई वन करके इसके स्क्रूस लगा देंगे। तो अभी हम आ जाएंगे, ये रैम की पट्टी है, ये रैम का केस है, तो हम यहाँ पर रैम का केस भी लगा देंगे वापस से, हमारा हम जैसा रखे थे वापस से रख देंगे इसको। आपको जब भी आप बिठा रहे हैं तो आपको यहाँ पर देखना रहेगा कि ये बराबर वे में पोजीशन में बैठना रहेगा। ये हमारा बैठ गया है, यहाँ पर लॉक रहेंगे, देखिए बारीक बारीक लॉक यहाँ पर है, आपको यहाँ पर है, ये हमारा बैठ गया है, ये पूरा हमारा सेट हो गया है। उसके बाद हम आ गए इसके बैक कवर में, तो इसका भी थोड़ा डस्ट है, हम इसको भी क्लीन कर देंगे इधर से, इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था तो हम इसको क्लीन कर दिए हैं, थोड़ा वैक्यूम और कर देंगे लैपटॉप को। ये
ये हमारा वैक्यूम हो गया है। उसके बाद हम करेंगे लैपटॉप को बैक साइड से वापस से पैक। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कैसा करते हैं, फाइव बटन पे वहाँ पर दे दिया गया है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं इसमें कैसा जेन्युइन विंडोज डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें कैसा उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसा बूटेबल बनाना है, पेन ड्राइव आपको उसमें पूरा गाइड कर दिया गया है। हम इसके स्क्रूज पैक कर देंगे, पैक करके आपको सॉफ्टवेयर कैसा इंस्टॉल करना है आपको आई बटन पे दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप सॉफ्टवेयर भी कैसा डाउनलोड कर सकते हैं, कैसा उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, आप वहाँ पे चेक कर लीजिए। और स्क्रूज पूरे पैक हो गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा लैपटॉप HP Pavilion XC60 सीरीज का ये कन्वर्टेबल लैपटॉप है। ये हमने इसमें जो है सो रैम इंस्टॉल किया है, SSD इंस्टॉल हुआ है इसमें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, जितना हो सकता है अपना शेयर करें फ्रेंड सर्कल में, ताकि उन लोग का भी प्रॉब्लम ऐसा रहा तो वो लोग भी अपने आप घर बैठे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। अगले वीडियो में मिलते हैं।